जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ रही की क्या दवाई, आ रही की क्या दवाई, परिवहन विभाग की आ रही को सस्पेंड करो, परिवहन विभाग की आ रही को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। आ रही प्रमोद कुमार गौतम मुर्दाबाद, 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 आ रही एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। जा नहीं गया मैं, गाड़ी में ही सर मिल गए, तो मैंने सर से निवेदन किया कि सर मेरे बड़े भाई का ये है और मैं पत्रकार हूँ, थोड़ा देख लीजिए, या तो फेल कर दीजिए या पास कर दीजिए, मैंने ये सारा साक्ष्य भी रखा हुआ। तो उन्होंने वो तुरंत आग बबूला हो गए और ऐसे बोले कि नेतागिरी कर रहे हो यहाँ, और इस तरीके से यहाँ नेतागिरी करोगे, चलो भागो यहाँ से, भागो, भगाने लगे। तब मैं सर जितना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ वो उतना चढ़े जा रहे हैं। तब भिकमंगा और तमाम चीज़ें उन्होंने बनाने, सारे पत्रकारों को बोल रहे हैं कि आके यहाँ आटियों में सेकते हो, रोटी सेकते हो, नेतागिरी करते हो, भिकमंगाई करते हो, कटोरा ले लो मांगो, इस तरीके की अशब्द वर्दी पहन के इस तरह का अशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए मुझे बहुत आहत किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, डीएम साहब को ज्ञापन भी दिए, उम्मीद करता हूँ न्याय मिलेगा, नहीं न्याय मिलेगा तो वही कटोरा लेके मैं सर के यहाँ जाऊँगा कि सर मेरा परिवार खाने बिना मर रहा है, आप मुझे भीख दीजिए, मैं अपने परिवार को जिंदा करूँगा। क्या लगता कि एयरटीकरण कितना भ्रष्टाचार है? बहुत भ्रष्टाचार है भैया, कोई काम बिना भ्रष्टाचारी का हो नहीं रहा है। वही सर को लग गया होगा कि पत्रकार जी आगे पैसा देंगे नहीं, और पैसा देंगे नहीं तो काम होगा नहीं, तो यही देख के वो जो किए हैं वीडियो में आपने साफ देखा है कि वो भिकमंगा और तमाम चीजें, लगा कि पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल पैसा नहीं मिलने की वजह से वो आग बबूला हो गए। उसमें चार सीट आ चुकी है, चार सीट पर डिपार्टमेंटल स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई नहीं की, स्वास्थ्य विभाग को उस पर कार्रवाई करना चाहिए था, इस नाते कि उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने उस पर आदेश किया था, लेकिन अधिकारी अपना पक्ष लेकर के वो कार्य नहीं होने दिए। लेकिन इस बार यह सब लोग व्रत ले लिए हैं कि अब की बार अगर नहीं तो फिर कभी नहीं। मैंने हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे, धरना भी करेंगे, नारा भी लगाएंगे, हम लोग प्रशासन के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे और सूबे की सरकार के मंत्री आएंगे जब तक प्रमोद कुमार गौतम पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी। और प्रकाश पांडे जी का के साथ जो मैन हैंडलिंग हुई है उसकी भावना खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग इस तरह। शुक्रिया। करना उनकी आदत, पैसा मांगने का विरोध करने पर उन्होंने ऐसा कार्य किया है, उन्हें सस्पेंड किया जाए। और जिलाधिकारी जी को पत्रक दिया गया है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और आज ही वो पत्र जो है वो माननीय परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह जी को भेजा जा रहा है, और इन्हें यहाँ से निलंबित कराया जाएगा, इनके पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, जिलाधिकारी को सीसीटीवी वो जो फुटेज है वो प्रदान किया जाएगा। आज से एक साल पहले भी एक डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा, जिंदाबाद।